So here we are, exercise 4.1, quadratic equations. Pehla question hai ki check whether the following are quadratic equations. Jaise hi aapko ye pata chale ki hame quadratic equations hai ya nahi hai, ise check karna hai, to aap sabse pehle is form of equation ko yaad rakhenge ki ye aana chahiye. इसमें a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए. हाँ, x वाला टर्म नहीं रहे तो भी चलेगा, c वाला टर्म नहीं रहे तो भी चलेगा, पर ये x स्क्वायर वाला टर्म रहना जरूरी है. सो गाइस, फर्स्ट इज दिस, लेट अस स्टार्ट चेकिंग दिस. व्हाट डू वी गेट? अब इसे हम एक्सपांड करेंगे हमारे इस वाले फॉर्मूले से जो हमने प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको लिखवाया था, और आई होप आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो आप लिख लीजिए, ठीक है. सो इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे इस हिसाब से तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स विल बी टू एक्स माइनस टू थ्री जार सिक्स एंड माइनस इंटू प्लस माइनस यू विल गेट x स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ट्वाइस एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू एक्स को इक्वल टू के यहाँ पर ला लो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस सिक्स को इधर लाने पे प्लस सिक्स हो जाएगा. अब आप चेक कर सकते हैं कि x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, अकेला x स्क्वायर है. प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो. तो गाइस, अब मुझे बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कैसे हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम कहेंगे एज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज टू, और हमें हाईएस्ट पावर एक्स का टू चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं. सो द गिवन इक्वेशन is quadratic equation. आप पूरा लिखेंगे, इसका मतलब है x का जो मैक्सिमम पावर है कितना होना चाहिए, 2. चेक करिए, x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बस. हाँ, इसमें x वाला टर्म नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये x स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज इवन very easy. So we have x square minus 2x is equals to minus 2 into plus 3 will give you minus 6 and minus 2 into minus x. So minus into minus will give you plus and 2 into x will give you 2x. Sare terms ko ek taraf la lo. So x square minus 2x plus 6 minus 2x. देखिए, माइनस सिक्स इक्वल टू के इस तरफ आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो गया. अब एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है तो ये जैसा का वैसा, एक्स वाला माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स. अब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो माइनस टू एक्स है और माइनस टू एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स. ये फर्क आपको समझना चाहिए. अगर मैं माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा और एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर हो जाएगा. पर मैं इसे यहाँ एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों माइनस है इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, टू टू फोर और माइनस साइन दे दिया, और एक्स के एक्स का जैसा का वैसा कॉमन टर्म रहेगा, है ना. बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है. Now plus 6 will be as it is. So guys, check करिए कि is this a quadratic equation? Yes. As the आप ऐसा लिखेंगे इसके बाद, as the highest power of x is 2. So the given equation is a quadratic equation. Let us move on to question number 3. अब आप लोगों को basic solve करके आना चाहिए, जैसे x into x, x square, x into plus 1 plus x, minus into plus minus, 2 into x 2x, minus into plus minus, 2 into 1 2, x into x
पता है आपको एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स। नाउ माइनस इन माइनस वन इंटू प्लस एक्स विल गिव यू माइनस एक्स, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस वन इंटू एक्स एक्स, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस वन इंटू थ्री थ्री। अब सब सब टर्म्स को एक तरफ ला लो, तो इन टर्म्स को तो हम यहीं पर रखेंगे, तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इन सबको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो इन सब के साइन रिवर्स हो गए। अब एक्स स्क्वेयर वाला कोई है क्या, चेक करो। हाँ, ये कह रहा है वन एक्स स्क्वेयर है और ये कह रहा है माइनस वन एक्स स्क्वेयर है, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एक्स वाले चेक करो, ये एक है, ये एक एक्स वाला है और ये एक एक्स वाला है और ये एक एक्स वाला है। तो बताइए प्लस वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री एक्स, और इसे सॉल्व करिए तो हमें मिलेगा माया प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप चेक करेंगे कि द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज नॉट टू। ओके, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर नीड्स टू बी टू। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। अब थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, या मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी सॉरी फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताता हूँ क्या है। x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस फाइव। अरे सॉल्व करो, सोचने का नहीं। x इंटू टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस वन प्लस एक्स, माइनस थ्री इंटू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स। नाउ माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री इंटू वन थ्री, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स। सबको एक तरफ ला लो, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस फाइव एक्स इधर आके माइनस फाइव एक्स, मिला। चलो ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला है क्या? हाँ, ये कह रहा है कि मेरे पास में दो एक्स स्क्वायर है और ये कह रहा है मेरे पास में माइनस वन एक्स स्क्वायर है। ये उसी प्रकार हो गया कि ये कह रहा है मेरे पास दो एप्पल है और ये कह रहा है मेरे पास में माइनस वन एप्पल है। तो बताइए दो एप्पल और माइनस वन एप्पल, कितने एप्पल बचे? वन एप्पल। तो यहाँ कितने एक्स स्क्वायर बचे? वन एक्स स्क्वायर। वन को नहीं लिखे तो भी चलता है, तो इसे और इसे तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक्स प्लस वन एक्स माइनस सिक्स एक्स, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस फाइव एक्स, और माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स, तो एक्स वाले भी हो गए। अब बचा माइनस थ्री। सो गाइस चेक करिए, द मैक्सिमम पावर और द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज, एंड दैट इज व्हाई द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज वेरी सिंपल गाइस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइस दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से करके चेक करिए कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है हमें, ये साइड पे जैसा का वैसा लिखेंगे हम और इसे एक्सपांड करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, टू इंटू ये टर्म इंटू ये टर्म, और माइनस है इसलिए माइनस, और प्लस दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। पूरे टर्म्स को यहाँ पर ला लीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। चेक करिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या?
प्लस 3x प्लस 4x आपको मिलेगा प्लस 7x, और प्लस 1 माइनस 4 आपको मिलेगा माइनस 3। चेक करिए, हम यहां लिखेंगे एज द हाईएस्ट पावर, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पूरा लिखेंगे। और इसी प्रकार अगर हम सेवेंथ क्वेश्चन को चेक करें तो आपके एनसीईआरटी में सेवेंथ क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है, इसे एक्सपांड करिए। देखिए आपको बहुत बार एक्सपांड करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ x प्लस 2 है तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो 2x से पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 1 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू 1 विल बी 2x। अब हम क्या करते हैं, इन सब टर्म्स को इस तरफ ला लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टूज आर 4x प्लस 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले पावर को सबसे पहले लिखते हैं। एक्स का मैक्सिमम पावर ये है क्यूब, तो इसे सबसे पहले लिख लो। चलो ये लिख के हो गया। और कोई एक्स क्यूब वाला है क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर वाले पे आते हैं तो ये एक एक्स स्क्वायर वाला है, और कोई है क्या एक्स स्क्वायर वाला, नहीं, तो इसे लिखिए एक्स स्क्वायर, और इसका साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब बचे कौन, एक्स वाले, तो ये एक 4x है और ये एक 2x है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है तो प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नॉट 2, इट इज 3, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब गाइस ये वाले क्वेश्चन में आपको इसे एक्सपांड करना है, क्यूब वाला फंक्शन है तो आप क्यूब वाले फॉर्मूले भी लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, पहले वाले का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। और अगर ये प्लस रहा तो सब कुछ सेम है, बस सारे साइन प्लस हो जाएंगे। तो अब हमें ये क्यूब है तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, क्योंकि माइनस है तो चलिए ये तो जैसा का वैसा रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल क्यूब का, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले वाले का क्यूब, पहले वाले का क्यूब माइनस माइनस 3 इंटू पहले वाले नंबर का स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला नंबर प्लस 3 इंटू पहला वाला नंबर, पहला वाला नंबर x और दूसरे वाले नंबर y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो बस इसे एक्सपांड आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला करना है। अब इसे सॉर्ट आउट करिए तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 थ्रीज आर 12x माइनस 2 का क्यूब 8। अब इस सारे टर्म्स को इस तरफ ला लो तो ये हो जाएगा x क्यूब
माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को पास पास में लिख लेंगे। अरे लिख लो, डायरेक्ट मत करो, ये एक्स क्यूब वाला है और कोई एक्स क्यूब वाला है क्या, ये इसको इसके साथ लिख लो माइनस एक्स क्यूब। तो ये वाला टर्म लिख लिया हमने और ये वाला टर्म, और कोई एक एक्स क्यूब चेक कर लो, नहीं है। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स वाले लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स। और अब हम सिंपल नंबर लिखेंगे, चेक कर लो कितने टर्म्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, बराबर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आ गए हैं, किसी चीज को हमने छोड़ा नहीं है। सो गाइस, ये बोल रहा है प्लस एक्स क्यूब और ये बोल रहा है माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर है और ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर सिक्स है, तो माइनस फोर प्लस सिक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्योंकि बड़ा नंबर सिक्स है तो आंसर में वो सिक्स का साइन देंगे। बच्चा ये सिक्स में से फोर गया, टू एक्स स्क्वायर, बड़ा नंबर सिक्स साइन प्लस। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, करेंगे तो प्लस पर साइन देंगे माइनस, प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ चेक करिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहेंगे जी हाँ, एस द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज वन, सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आपको यहां लिखना पड़ेगा। सो गाइस, देखा आप लोगों ने कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत आसान है, बस अगर आप इसे सॉल्व करते रहे तो, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए कुछ नहीं आएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो नाउ गाइस, द की टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम इज टू थॉरली गो थ्रू द प्रॉब्लम। ओके, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी लिखें प्रॉब्लम में, इससे क्या होगा, आपका वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने में आएगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, सो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है अगर ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा, सॉरी ये है ये रेक्टेंगुलर, तो ये लेंथ x है, तो ये ब्रेथ हमने y ले ली, या y नहीं ले ली, हम इस लेंथ को x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये रिलेशन गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, जब हम लेंथ को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसका तात्पर्य है कहने का कि जो लेंथ है वो कितनी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ। सो ये रिलेशन है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ को ट्वाइस करो, उससे भी एक ज्यादा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स, और अगर ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया तो इक्वेशन हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, सो देयरफॉर लेंथ बिकम्स टू एक्स प्लस वन।
तो चलो हमको लेंथ मिल गया और ब्रेड्थ मिल गया, और एरिया कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, तो हो गया। अब यह हमें पता है देयरफॉर लेंथ इनटू ब्रेड्थ गिव्स एरिया, और एरिया कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेंथ कितना है भाई 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितना है x इज इक्वल्स टू 528, सो यू विल गेट x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस x, और 528 को वहीं पर हम ऐसे रहने देते हैं। एंड इस सबको एक तरफ ला लो तो 528 इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से, और इधर में कुछ नहीं बचेगा फिर। सो गाइस हमें सिर्फ फिलहाल गिवन प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, जो हम कर चुके हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब टू है तो दूसरा उससे एक ज्यादा थ्री हो जाएगा। अगर आपने कोई भी एक नंबर लिए तो कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब एग्जैक्टली उसके बाद वाला नंबर, पर हमको पता नहीं है कि नंबर कौन सा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, और एक इसी के बाद वाला हो जाएगा दैट इज एक्स प्लस वन। और ये क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। इसे मल्टीप्लाई करिए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसे समझिए, प्रॉब्लम आधा वहीं पर सॉल्व हो जाता है ना। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों को मैथमेटिक्स एक दिन में या दो दिन में या एक हफ्ते में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स इज ए स्किल दैट नीड्स टू बी पॉलिश्ड विथ प्रैक्टिस एवरी डे। विदाउट प्रैक्टिस गाइस बिलीव मी यू वोंट गेट एनीथिंग, यू वोंट गेट परफेक्ट नेवर। सो प्लीज now still there is a lot of time to understand mathematics, to get interest in mathematics guys, so let us move on to question number third. So the next question is Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan ki jo maa hai wo Rohan se 26 saal badi hai. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद रोहन के माँ का और रोहन का जो भी एज हो जाएगा, ओके, वो एज का मल्टीप्लीकेशन 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। फिलहाल हमें यहाँ इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस रोहन की मम्मी 26 साल रोहन से बड़ी है, ये तो बात हम मानते हैं। तो हम मानते हैं कि आज रोहन एक्स ईयर्स का है, लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर्स अभी, ठीक है। लेट रोहन्स, आप प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ओके नाउ रोहन्स मदर्स एज,
रोहन की माता जी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? अगर रोहन एक्स ईयर का है तो रोहन की जो मॉम है वो उससे 26 साल बड़ी है ना, तो वो हो जाएंगे एक्स प्लस 26 ईयर्स, है ना। चलो ये बात तो क्लियर होगी। पर अब ये क्या कह रहा है कि 3 साल बाद इन दोनों की जो एज हो जाएगी उनको मल्टीप्लाई करो तो 360 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ आफ्टर 3 ईयर्स। अरे आज आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 10 प्लस 3। अरे अगर आज आप 25 साल के हैं तो 3 साल बाद आप 25 प्लस 3 ईयर्स के हो जाओगे। पर आज रोहन एक्स ईयर्स का है तो आफ्टर 3 ईयर्स बताइए रोहन एज विल बी, हाँ, यस, एक्स प्लस 3 ईयर्स, है ना। रोहन एज विल बी एक्स प्लस 3 ईयर्स एंड हिज मदर्स एज विल बी एक्स प्लस 26 में और 3 आप ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इसमें 3 ऐड कर दिया है और इसमें 3 ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं हम प्रॉब्लम में, और वो बोल रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360। तो हम क्या लिखेंगे कि रोहन की एज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अब इसे सॉल्व करिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिए। आई होप इतना तो आप कर ही पाएंगे। इसे सॉल्व करिए और देखिए क्या आपका आंसर एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 270, 9 बजे 9 बजे 20, हाँ 273 आएगा क्या? मेरी बात याद रखिए, अगर आपने इसे खुद से सॉल्व करके चेक नहीं किया, ये आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लिया, तो आप खुद से धोखा कर रहे हैं। ईमानदारी से इसे सॉल्व करिए और चेक करिए इतना आंसर आता है क्या। नहीं आता है तो मुझसे मिलिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट एटीट्यूड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज गाइस। नाउ ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब अगर मैं स्पीड कम कर दूं 8 किलोमीटर पर आवर से, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ये आप खुद से पूछिए। भाई स्पीड अगर कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। तो ये कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर हम वो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी हमें पता नहीं है भाई, है ना, उस स्पीड से अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो ये 3 घंटे ज्यादा लेता। अब हमको स्पीड तो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ये हमने ट्रेन का स्पीड ले लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना भाई, सो टोटल डिस्टेंस हमको जो ट्रेवल करना है वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर हमने स्पीड को कम कर दिए रहते तो समय ज्यादा लगा रहता कि कम लगा रहता,
जो समय ज्यादा लगा रहता, तो टाइम कौन सा वाला, ज्यादा वाला, माइनस टाइम कम वाला, कितना समय बच गया रहता, 3 घंटे, 3 आवर्स, है ना। ज्यादा टाइम कब लगा रहता, जब हम लोगों ने स्पीड को कम कर दिया रहता। और अगर हम पहले वाली ही स्पीड से चले रहते, नॉर्मल स्पीड से, ये वाला समय है, और दोनों में फर्क कितना है, 3 घंटे का, है ना। अब मेरे को बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अलग से ध्यान में रखना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है। तो अब बताओ जब ज्यादा समय लगा तब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, कितना, 480 किलोमीटर अपॉन, और ज्यादा समय कब लगेगा, जब स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस एट, है ना। और कम समय कब लगेगा, जब स्पीड एक्स रहेगी, क्योंकि एक्स से 8 किलोमीटर कम कर दिए तो ये स्पीड हो जाएगी, ये हमारा टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन उतनी स्पीड एक्स माइनस एट। और इस स्पीड से अगर हम इससे माइनस कर दें तो हमारा कितना टाइम बचेगा, 3 आवर्स। एंड गाइस बिलीव मी, अब आपको इसे सॉल्व करना है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और आप चेक करेंगे इसे सॉल्व करके कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²-8x-1280 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, एलसीएम निकालिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखने का काम आपका है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, दिस विल गिव बूस्ट, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हमें आता है या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, बस आपको याद से मुझसे इस चीज के बारे में चर्चा विमर्श करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट योर टास्क एंड ऑल ऑफ यू विल स्टे सेफ। हर हर महादेव।